वेलकम टू तहरीम खान क्लासेज। आज के इस लेक्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज होने वाली है। आपको पता है कि तहरीम खान क्लासेज टैलेंट सर्च एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने जा रही है। टैलेंट सर्च का एग्ज़ाम 17 नवंबर संडे को आमिना कॉन्वेंट स्कूल पे होगा। ऐसे बच्चे जो 6 to 8, ऐसे बच्चे जो क्लास 6 या क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वो इसको भर सकते थे। तो जिन्होंने भरा उनको भी बधाई और जिन्होंने नहीं भरा उनको भी बधाई। एग्ज़ाम OMR बेस्ड होगा। मतलब क्या हुआ कि आपको क्वेश्चन का आंसर OMR सीट एक मिलेगी जिसपे आपको गोला फिल करके करना होगा। अब उसको हम कैसे करेंगे, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहां कहां से आएंगे, क्वेश्चन कैसा होगा, उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस पे। देखिए इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीएस, जीएस का मतलब जीके ही आप समझ लें, उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे। अब किससे कितने क्वेश्चन होंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। तो वो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब MCQs होंगे। एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके चार ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक सही होगा। OMR सीट पे उसी क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हमको ABC ऑप्शन को गोला काला करना है, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, एक नंबर का होगा। उसमें अब इसका सिलेबस है, क्वेश्चन कहां कहां से आ सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब अरेंजमेंट, टेंस, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, ये सारी चीजों से क्वेश्चन आ सकते हैं या आएंगे। ऐसा नहीं है कि इन जितने ये दिए हुए हैं इनसे एक एक क्वेश्चन होगा। मतलब नाउन से एक क्वेश्चन होगा, प्रोनाउन से एक होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने दिए हुए हैं इनमें से किसी एक टॉपिक से एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ठीक। सेकेंड है हिंदी। तो हिंदी में जो जो दिए हैं इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर से नहीं आएंगे, रहेगा इसी में से। अब किससे कितना रहेगा, जैसे इसमें संज्ञा हम पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, संधि दिया हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, एक एक नंबर के। कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन है। ऐसे ही मैथ से भी 20 क्वेश्चन आएंगे, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, फैक्टर्स। एक चीज आपको हम बता दें कि जो भी क्वेश्चन होगा वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप हिंदी समझ सकते हैं तो आप हिंदी पढ़ के समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप इंग्लिश समझ सकते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ के उसको सॉल्व करें, सेम क्वेश्चन होगा, ठीक। आगे बढ़े, सिलेबस हो गया, बहुत दिक्कत नहीं है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। साइंस में देख लें, ह्यूमन बॉडी, बोन्स, मसल्स, प्लांट्स, फूड, न्यूट्रिएंट्स, कम्युनिकेबल डिजीजेस, लिविंग सेफली, प्रोटेक्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स, नेचुरल कैलामिटीज, इन सारी चीजों से आएंगे। हिंदी इसके देख लीजिए, मानव शरीर, हड्डियां, मांसपेशियां, पौधे, पोषक तत्व, भोजन, ये सारी चीजें, इनसे क्वेश्चन आएंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं से होंगे, इससे बाहर से नहीं होंगे। आपको हम बार बार ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मानव शरीर सिलेबस में दिया है तो मानव शरीर से क्वेश्चन होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। मानव शरीर से क्वेश्चन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। हड्डियां हैं, हड्डियों से क्वेश्चन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा थोड़ी है। मानव शरीर, हड्डियां, मांसपेशियां बहुत बड़ा है, इनसे एक एक टॉपिक से हम एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, ऐसा नहीं है। जो अगर इनमें मानव शरीर से पूछा जाएगा तो कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो पूछा जाएगा, मानव शरीर के बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का मतलब जो वर्तमान में हो रहा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके 10 क्वेश्चन होंगे, और 5 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर से होंगे और 5 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से होगा,
रीजनिंग का मतलब कि इमेज दिया होगा आपको, उनमें रिलेशन खोजना होगा, रिलेशन दिया होगा उसमें हमको रिलेशन खोजना होगा। तो ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब आगे आते हैं कि हमको सबसे पहले मिलेगा क्या। हमको सबसे पहले मिलेगा OMR सीट। क्या मिलेगा हमको? OMR। अब देखो सबसे पहले हमको मिलेगा OMR सीट जो इस तरह का होगा। आपको इसमें करना क्या है? देखो यहां पे आपको अपना नाम, आपको अपना नाम लिखना है। मान लो किसी का नाम है रामू, तो लिखेगा RAMU, ठीक, इतने में आ जाना चाहिए। अब देखो फिर आपको करना क्या है, जेंडर मेल या फीमेल। तो यहां आपको भी लिख देना F अगर फीमेल है, और इसको आपको सर्कल कर देना है, भर देना है, ठीक है। ये क्या है? ये आपके OMR सीट का सीरियल नंबर है, इसको आपको कहीं भरना नहीं है, ये आप कहीं नहीं भरेंगे, ठीक। अब देखो आपका आता है रोल नंबर, मान लीजिए आपका रोल नंबर है 923461, आप यहां अपना रोल नंबर भरेंगे जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उस पे लिखा हुआ होगा, वो वाला रोल नंबर आप यहां भरेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले इसको आप भर लेंगे। फिर देखिए 9 कहां है, इसको आप काला करेंगे, फिर 2 इसको आप इन सर्कल करेंगे, फिर 3 फिर आप इसको करेंगे, 4 फिर 6 फिर 1, इतना काम आप कर लेंगे, ठीक। रोल नंबर आपने फिल कर लिया, नाम आपने फिल कर लिया, और मेल या फीमेल फिल कर लिया। यहां पे आपका थंब इंप्रेशन लगेगा, यहां आपका सिग्नेचर होगा, आपने अपना सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर में आप अपना नाम लिखेंगे, इनिशियल नहीं बनाएंगे। अब आ जाए नीचे, यहां पे आपके फादर का नाम होगा, अपने अब्बू अम्मी जिसका, अपने अब्बू का नाम लिख देना है आपको। स्कूल नेम, उस स्कूल का नाम लिखेंगे जहां पे आप पढ़ते हैं, जहां पे आप पढ़ रहे हैं। मान लो स्कूल का नाम आपका कोई भी नाम आप अपने स्कूल का लिखिए, ABC पब्लिक स्कूल, आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक। इतना काम आप पहले कर लेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा OMR सीट, इसी को बोलते हैं OMR सीट। एक और चीज, अभी आप इसको छोड़े रहेंगे, अभी आपको बताएंगे कब इसको आपको भरना है। अब देखिए उसके बाद आपको एक, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसको हम नाम दिए हैं क्वेश्चन बुकलेट। उसमें आपको क्या लिखना रहेगा, देखो ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, अपना नाम यहां लिखेंगे, यहां पे आप अपना नाम लिखेंगे जो आपका नाम है रामू, रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड से मिल जाएगा, रोल नंबर भर देना आपको, डेट ऑफ टेस्ट यह आपको लिख देना 17 नवंबर 2024, यहां पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक। अब देखो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यही क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपके OMR सीट पे भरा जाना है। आपकी ये क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज है, क्वेश्चन बुकलेट 4 सीरीज में है, ABC और D। आपको जो सीरीज मिलेगी आपको वही सीरीज OMR सीट पे भरना है। क्यों? क्योंकि सभी सीरीज में क्वेश्चन तो सेम है बट उनका सीरियल इधर का उधर है। कोई क्वेश्चन आप में 10 नंबर पे है तो वही क्वेश्चन 20 सीरीज में हो सकता है 12 नंबर पे हो सकता है 20 नंबर पे हो सकता है 40 नंबर पे हो। तो ये समझ आ गया आपको, आपको यहां से मिलेगा, क्या मिलेगा, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज और क्वेश्चन बुकलेट नंबर। यहां तक हो गई, आपको भरना कैसे, यहां पे आ जाए आप। अब दोनों को हमने आमने सामने कर दिया, इसमें आप देखें, देखो अगल बगल हो गए, ये आपके क्वेश्चन बुकलेट, देखो ये वाला नंबर आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है
जो यहां फिल होगा, कितना 2 5 6 8 4 5 ये हो गया, ये नंबर यहां भरा जाएगा। मेल फीमेल आपने भर ही दिया, मान लो आप मेल है तो एम लिखेंगे और इसको आप काला कर देंगे। यहां तक आपको पता, बुकलेट सीरीज देखो ये कौन सी सीरीज की है, ए की है तो आप ए फिल कर देंगे और ए वाला आप काला कर देंगे, ठीक है। रोल नंबर आप भर लेंगे, भरा होगा रोल नंबर, आपको एडमिट कार्ड से मिलेगा वो आप भरेंगे इसमें, जो 6 डिजिट का होगा, ठीक। अब आप इसके करस्पॉन्डिंग उस सर्कल को काला करेंगे, जैसे ये 2 लिखा है तो 2 वाला काला करेंगे, 5 लिखा है तो 5 वाला काला करेंगे, 6 लिखा है तो 6 वाला काला करेंगे, 8 लिखा है तो 8 वाला काला करेंगे, 4 लिखा है तो 4 वाला काला करेंगे, 5 लिखा है तो 5 वाला काला करेंगे। इतना काम आपने कर लिया, थंब इंप्रेशन लगा लिया, अपना सिग्नेचर कर दिया, डेट डाल दिया, यहां अपना नाम लिख लिया, ठीक है। नीचे आपको बताया अपने फादर का नाम लिखना आपको और स्कूल का नाम लिखना है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, याद रहे यहां उस स्कूल का नाम नहीं लिखना है जिसमें आप इम्तिहान दे रहे हैं, उसका नाम नहीं लिखना, नाम उसका लिखना है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। इतना काम आप ने कर लिया, पहले आपको OMR सीट मिलेगी, OMR सीट से आप अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन बुकलेट आप नहीं भरेंगे तब तक जब तक क्वेश्चन बुकलेट आपको मिल ना जाए। ये क्वेश्चन बुकलेट का जो नंबर है ये वाला, ये यहां भरा जाएगा सीरीज, अगर ए है तो ए भरेंगे, मान लो किसी का सीरीज बी है तो बी भरेंगे, बी वाला काला करेंगे, सीरीज सी है तो सी वाला भरेंगे। यहां तक हो गया। अब आपको क्वेश्चन जब मिल जाएगा, अब इतना काम आपने कर लिया, अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और OMR सीट को फिल करेंगे। कैसे, देखो ये मैथमेटिक्स, हालांकि ये चीज आपको मैथमेटिक्स आपके क्वेश्चन बुकलेट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, और ये आपको जरूरी भी नहीं है कि मैथमेटिक्स का है या किसका है। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000, इसका हमको प्रीडिसेसर लिखना है, प्रीडिसेसर का मतलब इससे एक नंबर पीछे, तो कितना आ गया 999। अब यह ऑप्शन आप क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे ए बी सी, कौन सा सही है, डी सही है, तो आप अपने क्वेश्चन बुकलेट में ये क्वेश्चन आप ऐसे मार्क कर लेंगे। अब आते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, OMR सीट पे क्वेश्चन नंबर 2 वाली लाइन पे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी, तो हम डी वाले को क्या कर देंगे, गोला भर देंगे, ठीक है, ऐसे इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, हाउ मैनी 1/3 इन 15, जो भी आपका आंसर आए, मान लो इसका ए आ रहा है तो ए वाला भर देंगे। अगले क्वेश्चन का मान लो डी सी बी सही है तो बी वाला इन सर्कल करेंगे, सी सही है सी वाला इन सर्कल करेंगे, जैसे जो आपको सही लग रहा है वो आप इन सर्कल करते जाएंगे। आखिरी चीज, एक चीज और, आप 2 ऑप्शन को इन सर्कल नहीं करेंगे, 2 ऑप्शन को फिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ए भी कर दिया और इसका बी भी कर दिया, अगर आपने 2 गोले काले कर दिए तो आपका वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा, वो माना नहीं जाएगा, ठीक। तो आपको ऐसे ही भरना है। अब हम देख लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हो, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन, आपको जो भी लग रहा है कौन सा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये वाला लग रहा है आप ये वाला भर दें, ये वाला लग रहा है ये वाला भर दें, ये वाला लग रहा है ये वाला भर दें। इतनी बात समझ आ गई कैसे हमको भरना है। जब सारी चीजें भर जाएं, आपने क्या किया, सारे ऑप्शन को फिल कर लिया, भर लिया। अब आप क्वेश्चन बुकलेट को अपने साथ, जब बेल लगेगी क्वेश्चन बुकलेट को अपने साथ आपको ले जाना है। OMR सीट जो आपके क्लास में एग्जामिनेशन हॉल में
जो टीचर होंगे वो आपसे OMR कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद आप फिर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि OMR सीट आप अपने घर लेके चले जाएं और बुकलेट आप वहीं छोड़ जाएं। अगर OMR सीट आप घर लेके चले जा रहे हैं तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है एग्जाम को देने से। किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो वो कमेंट बॉक्स में जाके और पूछ सकता है। इसी तरह आप देखें इसमें क्या जनरल नॉलेज, आपको बताया ना कि ये लिखा हुआ नहीं रहेगा। कह रहा व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको हम बता रहे थे ना कि क्वेश्चन दो लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। सेम क्वेश्चन देखो, ये पहले इंग्लिश लिखी है फिर यहां इसी की हिंदी लिखी है। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, इंडिया के पहले सैटेलाइट, पहला सैटेलाइट जो इन्होंने लॉन्च किया था उसका नाम क्या है। ठीक है, आपको इससे हम ये दिखाना चाह रहे हैं ना कि ये इंग्लिश लिखा होगा उसी की हिंदी लिखी होगी। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन वन है ये क्वेश्चन टू, एक ही क्वेश्चन के दो वर्जन है, दो लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। कोई भी इस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है, आपने गलत गोला भर दिया, गलत आंसर आपने फिल कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तैयारी के साथ आप आए, आप एग्जाम दें और अपने आप को मेजर करें, अपने आप को हम देखें कि हम कहां पर। पेपर खत्म होने के बाद उसी दिन शाम में आंसर की जारी कर दी जाएगी। आंसर की का मतलब कि कौन सा ऑप्शन किस सवाल का कौन सा ऑप्शन सही है उसको आप मिला लेंगे। पूरी तैयारी के साथ आए, पढ़ते रहें, मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू।